एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमजीत और आज हम फ्लेमिंगो बुक की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को कवर करने वाले हैं। सो पोयम को स्टार्ट करने से पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोएट का नाम है जॉन कीट्स, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट रह चुके हैं। अब रोमांटिक पोएट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो रोमांस के बारे में लिखते थे। एक्चुअली ओल्डन डेज में जो भी पोएट्स नेचर के बारे में लिखते थे उन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता था, राइट? तो इसी के साथ पोएम की शुरुआत करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. So poem की शुरुआत होती है और poet यहाँ पर अपनी love for nature को describe करते हैं, वो express करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो thing of beauty है वो परमानेंट होती है। उसकी मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी के परमानेंट नेचर के बारे में यहाँ पर पोएट डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि डे बाय डे इस ब्यूटी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उसकी खूबसूरती बढ़ते जाती है, राइट? और वो कहते हैं कि ये एवरलास्टिंग ब्यूटीफुल साइट्स है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब स्वीट ड्रीम्स फिर क्यों कहा गया है? बिकॉज कभी भी हम अगर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो नेचर की ब्यूटी हमारे माइंड से जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो काइंड ऑफ फ्रेश कर देती है, हमें एक री ऑफ होप देती है। सो जब हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो हमें एक अच्छी नींद भी आती है, तो इसीलिए अच्छी नींद आती है तो हमें स्वीट ड्रीम्स मतलब ड्रीम्स भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर पोएट ने कहा है। क्वाइट ब्रीथिंग, क्योंकि क्वाइट ब्रीथिंग इन द सेंस मतलब नेचर हमें एक ट्रैंक्विलिटी मतलब एक शांति प्लेस मतलब एक शांत जगह प्रेजेंट करती है हमें। सो इसी बारे में कहा गया है। इवन जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, बिकॉज हम नेचर के साथ है तो काइंड ऑफ समझ सकते हो, राइट? देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रेड ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड डार्क वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग. Yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pain from our dark spirits. So, a poet कह रहे हैं कि every morning जब मतलब जो next mornings होते हैं हम क्या हम earth के साथ या फिर nature के साथ एक flowery band in the sense मतलब क्या हम एक bond create कर रहे हैं? हमें एक bond create करना चाहिए nature के साथ, हमें nature के साथ nature के और करीब जाना चाहिए, क्योंकि nature हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक रे ऑफ होप देती है, जैसा कि मैंने पहले वाले लाइन में कहा। उसकी जो ब्यूटी है वो हमें एनर्जाइज करती है, एक एंथुसियाज्म हमारे अंदर में ला देती है, राइट? इवन यहाँ पे कहा गया है इनह्यूमन ड्रेड, तो इसका मतलब है कि इनह्यूमन मतलब हमारे मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल करंट सिनेरियो अगर देखा जाए या फिर मतलब ड्यू टू वेरी मतलब अर्बनाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है हमारी लाइफ में, तो हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर वो स्ट्रेस को काइंड ऑफ रिड्यूस कर सकते हैं। Hello everyone, I hope you guys are doing great and the episode till now has been a great help for you guys. And I am very delightful to share that I have a small and a helpful gift for you guys. ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, फॉलो कर लो। तो कुछ नहीं है, एक YouTube का चैनल है जिसका नाम है शोमजीत, मजा करो, मेरा ही चैनल है, राइट? तो कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाना चैनल पे, मैंने यहाँ पर और यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखना, एक नोट्स का मैंने डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर। इस नोट्स में फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ द लास्ट लेसन का है, ठीक है? तो अब देखो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, यहाँ पे लिंक फॉर नोट्स होगा। जैसे ही तुमने लिंक फॉर नोट्स को क्लिक किया एक पेज खुल जाएगा, राइट? एक पेज खुलेगा, खुल जा। यस, सो ये पेज आ गया, राइट? अब इस नोट्स में तुम्हारे सब कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है, तुम्हारा समरी हो गया चैप्टर के, एनसीईआरटी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ है। सो मेरे तरफ से ये एक डेडिकेटेड सा गिफ्ट है आप सभी के लिए। इसमें सारे नोट्स हैं, सारे मेंशन किए गए हुए हैं, इस चीज़ का बहुत भरपूर मजा ली, यूजफुल है चीज़, डाउनलोड करो इसको, प्रिंट करो। थैंक यू एंड आई होप
आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके सो बैक टू द एपिसोड। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बूम फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक reach with a sprinkling of fair musk rose blooms. So इस वाले stanza में poet simply मतलब list करते हैं, मतलब think of beauty actually क्या क्या होते हैं उस चीज को list करते हैं। वो कहते हैं कि daffodils, then sheep, then sun, जितने भी nature के मतलब things है उस चीज को वो describe करते हैं। वो कहते हैं कि ये list में जो हमें kind of एक पीसफुल लाइफ जीने को इंस्पायर करती है। वो कहते हैं कि ये सभी चीजें हमें एक प्लेजर और हमें जॉय की फीलिंग देती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी ड्रेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। तो अगेन पोएट सेम मतलब फिर से और भी बताते हैं और भी कौन कौन सी चीज है काइंड ऑफ जो थिंग ऑफ ब्यूटी के अंडर में आ सकती है। अब देखो यहाँ पर ग्रैंडियर ऑफ डूम्स के बारे में कहा गया और माइटी डेड के बारे में कहा गया। अब मैं लास्ट में ऐसे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन देखो माइटी डेड जो होता है वो एक ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या, एक ही मतलब। देखो यहाँ पे माइटी डेड है, डेड डेड कोई भी डेड सोल माइटी तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा है माइटी डेड क्योंकि कुछ ऐसे किंग्स थे या फिर कोई हीरोइक कोई हीरो थे मतलब काइंड ऑफ जो सोसाइटी के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए जो हिस्ट्री में पास्ट में जो करके गए थे, तो हम उनके बारे में पढ़कर भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एक मोटिवेशन ले सकते हैं। तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि हम पास्ट में जाकर कुछ भी अगर पॉजिटिव हुआ है तो उस बारे में हम जान सकते हैं, वो जानते हैं तो हमें काइंड ऑफ हमें प्रेजेंट लाइफ में अगर हम कुछ गो थ्रू कर रहे हैं तो उस चीज को भी सुधारने का हमें एक लेसन मिलता है, हमें हम जान सकते हैं। तो उस चीज को भी पोएट जो है थिंग ऑफ ब्यूटी के अंडर में कंसिडर करते हैं। अब ग्रैंडियर ऑफ डूम्स का मतलब समझ ही सकते हो, मतलब यहाँ पे किंगडम हो गया, एम्पायर, मतलब कुछ बड़े बड़े राजमहल टाइप ऑफ ऐसा साउंड कर रहा है, मतलब इस चीज के बारे में भी कहा गया। मतलब यहाँ पर बेसिकली लास्ट स्टैंजा में जो भी पास्ट में मतलब पोएट कहना चाहते हैं कि ना ही प्रेजेंट की चीजें बट कुछ कुछ ऐसे भी चीजें जो पास्ट में हो चुकी है जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी कहलाया जा सकता है। देन एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब हम कहते हैं ना जैसे माइथोलॉजिकल फिल्म्स में देखा होगा तुम अमृत कहते हैं राइट, वैसा ही कुछ इमॉर्टल ड्रिंक उसे भी कहते हैं। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब वही है। अब नेचर हमें इमॉर्टल ड्रिंक कैसे पेश करते हैं या फिर हमें कैसे प्रेजेंट करे इन फॉर्म ऑफ जो भी काइंड ऑफ सन हुआ, हिल्स, माउंटेन्स, मतलब वो एक नेचुरल जो भी थिंग्स है उसके उस फॉर्म में हमें नेचर मतलब इमॉर्टल ड्रिंक प्रेजेंट करती है राइट, जो कि हेवन से मतलब हेवन का ड्रिंक कहा जाता है इमॉर्टल ड्रिंक को, तो उसी चीज के बारे में कहा गया है जो कि मतलब पूरे ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर ह्यूमन काइंड के लिए एक प्रेशियस गिफ्ट हो सकता है। सो इसी के साथ ये पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। तो नथिंग मतलब बहुत ही सिंपल सा एक पोएम था। सो इस पोएम में मतलब बेसिकली जॉन कीट्स जो है नेचर के बारे में कहते हैं, मतलब नेचर से हम अपने जिंदगी में क्या क्या सुधार कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीज अडाप्ट कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आए या फिर हम इम्प्रूव कर सके, हम खुश हो सके, एक रे ऑफ होप ला सके अपने जिंदगी में, मतलब जितने भी डार्क थॉट्स है या फिर जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उनको हटाकर हम खुशी कैसे ला सकते हैं, किन किन चीजों से हम खुशी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में यहाँ पर पोएट कहते हैं। और पोएट ये भी कहते हैं लास्ट में कि ना ही सिर्फ नेचर मतलब जो सन हुआ, मतलब जो रेन हुआ, रेनबो हुआ, इन चीजों से ही नहीं बल्कि हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी जानकर या फिर कोई भी इमेजिनरी स्टोरीज हो पास्ट में उनके उनसे भी हम एक काइंड ऑफ
रे ऑफ होप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी अच्छी ब्रेवरी की कोई भी कहानी हो, या फिर हमारे एंसेस्टर ने कोई भी अगर अच्छा काम किया हो फॉर द ह्यूमन काइंड, तो उस चीज से हम इंस्पायर हो कि काइंड ऑफ कैसे प्रेजेंट सिनेरियो में लिव कर सकते हैं, उस चीज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। आई होप आपको एक्सप्रेशन पसंद आया हो। वीडियो के एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है जो नॉर्मली एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो वो मार्क कर लेना। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में है रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, जो कि एक मेटाफर है, ह्यूमन ड्रेड जो कि एक पर्सोनिफिकेशन है, वो पूरा सेंटेंस जो कि द इन ह्यूमन ड्रेड ऑफ नोबल नेचर, ये पूरा पर्सोनिफिकेशन है। और अगर नोबल नेचर को कहा जाए तो वो एक एलिटरेशन है। देन कम्स अनहेल्दी एंड डार्क वेज, जो कि एक ट्रांसफर एपिथेट है, मतलब ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। Then next comes Ganger of Dooms, जो कि एक imagery है। Then Mighty Dread, जो कि oxymoron है, जिसके बारे में मैंने explanation में बताया था। Then Immortal Drink, ये भी एक imagery है। So यार इसी के साथ ये poem end होता है, इस poem की line by line explanation end होती है। I hope आपको ये explanation पसंद आई हो। अगर पसंद आया है तो please video को like करो, subscribe करो अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, share करो अपने दोस्तों के साथ एंड सपोर्ट करते रहो चैनल को। और नोट्स भी आने वाले हैं चैप्टर्स के, तो उसे भी पढ़ो। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल के एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू सो मच। सो कीप लर्निंग, कीप लिविंग।